हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। टुडे वी शैल डिस्कस ए न्यू फैमिली दैट इज वर्बिनेसी फैमिली। इसमें सबसे पहले कुछ प्लांट्स दिखाते हैं। ये दिख रहा है आपको एक प्लांट जो कि श्रब्स है, झाड़ियों के रूप में दिखाई देगा। और ये एक प्रकार से इसमें स्पाइंस वगैरह पाए जाते हैं, तो कटीली झाड़ियाँ हैं। और इसका नाम है लैंटाना और इसको वीट के नाम से भी जाना जाए। खरपतवार है, मान के चलिए अनवांटेड प्लांट है जो कि बिना लगाए आपको दिखाई देंगे, उग जाते हैं कहीं पर भी। तो ये तो हो गया एक पहला प्लांट। इसके बाद दूसरा प्लांट दिखा रही है, जाना पहचाना है, टीक का प्लांट है, सागौन का है, टेक्टोना ग्रैंडिस के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो वुड्स होती हैं, वुड्स मतलब लकड़ियाँ, बहुत ही ड्यूरेबल और बहुत ही मान के चलिए कि गुड क्वालिटी की होती हैं फर्नीचर बनाने के लिए। तो सोफ़ा वगैरह और आपका तमाम जो भी कीमती फर्नीचर हैं इसी से बनाए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनफ्लोरसेंस जो कि एक प्रकार से बहुत ही क्लस्टर में फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चलें, यह है वर्बीना, जिसके नाम पे फैमिली का नाम पड़ा है, वर्बीनेसी फैमिली। यहाँ पर भी देखिए क्लस्टर्स में फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये साइमोस पैटर्न में ही दिखाई इन्फ्लोरेसेंस है, बट अम्बलेट टाइप का ये आपको अम्ब्रेला सेट दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला चलते हैं, ये देखिए फिर से हम लैंटाना की ओर आ गए। और इसमें देखिए अपोजिट लीफ रहेंगी, अपोजिट डीका सेट लीफ रहेंगी, ठीक है। और फ्लावर्स जो हैं यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स दिख रहे हैं सब देर ऑल सेसाइल। और ये जो फ्लावर की ये दिख रहा है एक्सिस, दिस इज इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ये पूरा का पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस है, अम्ब्रेलेट साइन, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अम्ब्रेला सेट है ये, तो अम्ब्रेलेट साइन कहलाएगा। और इसमें सभी फ्लावर जो होते हैं दे आर सेसाइल having no petiole, but the inflorescence have a peduncle, ये अपना inflorescence axis कहलाए गए। और जितनी भी लीफ दिख रही दे आर अपोजिट डीका सेट, ठीक। इस प्रकार से यहाँ फल भी दिखाई दे रहा है जो कि ड्रुप है। और इसके बाद फिर आगे अपन देखते हैं, ये देखिए पॉलिनेशन हो रहा है बाई बटरफ्लाई। और एक चीज़ और बताएं आपको, बटरफ्लाई का जो कलर्स होता है उसी प्रकार का फ्लावर का भी कलर लगभग ऑलमोस्ट आता है। आप लोग डिफरेंट टाइप के बटरफ्लाई देखे होंगे, तो जो कलर्स आते हैं वो फ्लावर्स के हिसाब से ही अपने को दिखाई देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोग को बताया। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बटरफ्लाई दिख रही है, इसके बाद और पॉलिनेशन भी कर रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बर्ड है जो पॉलिनेशन के लिए पहुँची है, हालांकि उसका एम है इसमें से जो नेक्टर रहता है उसको पीने का। और उसके साथ साथ मान के चलिए जितने भी बटरफ्लाईज वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, इनके और प्लांट के बीच एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसके बदले ये प्लांट जो हैं दे प्रोवाइड सम नेक्टर्स। एंड जो ये अपने बटरफ्लाई और बर्ड्स हैं ये पॉलिनेशन एजेंट का काम करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का बड़ा ही अद्भुत आपको संयोग देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए फिर बटरफ्लाई बैठी हुई है और दोनों काम एक साथ चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक बर्ड एक फूल को ही उठा ली है। इस प्रकार से तरह तरह के आपको नेचर में चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये एक प्रकार से नया फ्लावर दिखा रहे हैं आपको, इसमें देखिए जो फ्लावर्स हैं वो क्लीरोडेंड्रान के हैं। क्लियोडेंड्रान का जो पेटल्स होता है वो कोरोला और ट्यूबुलर होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो स्टेमन्स हैं फिलामेंट बहुत लंबे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देंगे सब, ये देखिए जितना भी, ठीक है। तो हमने कुछ प्लांट्स से आपको परिचित कराया ताकि फैमिली पढ़ने में आनंद आ सके। तो कभी भी किसी भी फैमिली को पढ़ना है तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो प्लांट्स हैं उसको बिल्कुल ही जाने,
तो खासकर फैमिलियर प्लांट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो वर्बीनेसी फैमिली का दूसरा नाम भी है वर्बीना फैमिली, जो मैंने फ्लावर्स दिखाए थे। इसके बाद कुछ प्लांट्स हैं, दे आर टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक, ड्यूरेंटा, क्लीरोडेंड्रॉन, लेंटाना और वर्बीना। वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, पर हमको जो बहुत कॉमनली दिखाई दें उनको आप चूज़ करिए। तो टेक्टोना ग्रैंडिस को तो सभी लोग देखे हैं, एक प्रकार का डेसीडियस प्लांट है। डेसीडियस प्लांट मतलब पत्तियाँ इसकी पूरी की पूरी आपको कभी कभी विंटर सीजन में दिखाई नहीं देंगी, ये अपनी पत्तियों को ही फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डेसीडियस प्लांट। और हैबिट्स के मान से देखेंगे तो मोस्टली दे आर श्रब्स, हर्ब्स इसमें बहुत कम मिलेंगी, झाड़ियाँ रहेंगी ज़्यादा। और टेक्टोना ग्रैंडिस ट्री है, वैसे बहुत बड़ा वृक्ष है, श्रब नहीं है। लीव्स में देखेंगे तो अपोजिट डिकासेट लीफ मैंने दिखाई दिया, बताई दिया था आप लोग को, फ्लावर में दिखा दिया था प्लांट में। और फ्लावर लीव्स आर सिंपल, बहुत ही साधारण प्रकार की रहेंगी, एक्स एस्टिपुलेट स्टिप्यूल्स नहीं हैं, और ओवेट टाइप की रहेंगी और एक्यूट रहेंगी, सेप ओवेट रहेगा। और मोस्टली सीरेट टाइप की रहती हैं, सीरेट मतलब इस प्रकार से मार्जिन जो है वो आपको गुड़हल की पत्ती की जैसे दिखाई देगा, चाइना रोज की तरह से। अब इन्फ्लोरसेंस के बारे में देखेंगे तो इन्फ्लोरसेंस हमने अभी दो ही फ्लावर को चूज़ किया है, ड्यूरेंटा में और लेंटाना में। तो ड्यूरेंटा में जो आपको दिखाई देगा दैट विल बी पेनिकल टर्मिनल एंड एक्जिलरी रेसिन, टर्मिनल्स फ्लावर दिखाई देंगे पेनिकल में, और एक्जिलरी रेसिम मतलब पत्ती के एक्जिल से रेसिम निकलता हुआ दिखाई देगा। लेंटाना में मैंने जैसा फ्लावर दिखाया था वहाँ नंबर ऑफ फ्लोरेट्स थे, फ्लावर थे जो कि अम्बलेट साइन के रूप में दिखते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जानकारी दिया। अब फ्लावर देखिए, फ्लावर्स आर मोस्टली ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोर, दोनों चीज़ें होंगी, ब्रैक्स भी होंगे, इधर बनाते हैं ब्रैक्स और साइड में बनाते हैं ब्रैक्टियोर्स फ्लोरा डायग्राम में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ रहेंगी एंड फ्लावर में भी सेसाइल और सब सेसाइल, कभी कभी मोस्टली सेसाइल होगा लेकिन सब सेसाइल में वो छोटा सा वृंद भी होगा। फ्लावर्स में भी बाईसेक्सुअल, ऑलवेज बोथ पार्टनर्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर, एंड फ्लावर विल बी जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक भी यहाँ बड़ा विशेष प्रकार का है, किसी फ्लावर में आपको स्लाइट मिलेगा, किसी में मॉडरेट मिलेगा, किसी में हैवी मिलेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो अपन बात करेंगे धीरे धीरे, कंप्लीट रहेंगे फ्लावर्स एंड हाइपोगाइनस कंडीशन रहेगी साइक्लिक एंड पेंटामेरस। तो ये सब मैंने बार बार आपको बताया ही है इसलिए रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। सेपल्स की बात कर लें तो सेपल्स विल बी 5 एंड दे आर गैमोसेपल्स, दे आर यूनाइटेड एंड एस्टिवेशन विल बी वॉल्वेट एंड परसिस्टेंट एंड बेल शेप्ड या फिर आपका ट्यूबुलर। पेटल्स आर आल्सो 5, गैमोपेटल्स, ट्यूबुलर, वायलेट कलर के होंगे, लेकिन इन लेंटाना में वेरियस कलर के दिखाई देते हैं, एक ही फ्लावर में इन्फ्लोरसेंस में आपको बहुत सारे कलर के दिखाई देते हैं। तो बड़ा कुल मिला के भले ही वीड्स हैं लेकिन इसको देखेंगे तो आप इसको प्लांट को भले वो आपको वीड्स खरपतवार में दिखाई पर बहुत ही बागवानी के लिए या हैज लगाने के लिए बागड़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता है। और इसके साथ साथ एस्टिवेशन देखेंगे तो इम्बिकेट एस्टिवेशन रहेगा, और जो पेटल्स रहेंगे क्योंकि जाइगोमॉर्फिक है ये, अब जाइगोमॉर्फिक यहाँ पर स्लाइट है मान लीजिए या फिर थोड़ा मॉडरेट टाइप का है, तो ये अनइक्वल टाइप के पेटल्स रहेंगे, बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा। तो 3 एंटीरियर पेटल जो रहेंगे दे विल बी लार्जर, और 2 पोस्टीरियर पेटल जो रहेंगे दे विल बी स्मॉलर, मतलब पोस्टीरियर साइड की और जो रहेंगे 2 थोड़े से स्मॉल रहेंगे, छोटे रहेंगे, और एंटीरियर साइड के आपके लार्जर दिखाई देंगे। जबकि लेंटाना में 4+1 4 एंटीरियर के 4 जो रहेंगे वो थोड़ा सा छोटे रहेंगे मतलब कंपेरिजन टू 1, और जो पोस्टीरियर रहेगा सॉरी एंटीरियर रहेगा वो लार्जर रहेगा, एंटीरियर पेटल विल बी लार्जर और आपका बाकी 4 एक बराबर रहेंगे, मतलब थोड़ा सा लार्जर रहेगा। और दे आर बाई लिप्ड, इस प्रकार से 2 होंठ बन जाएंगे, ठीक है, 4 का 1 और 1 का 1 इस प्रकार से, तो 4+1 बोलेंगे, बाई नहीं बोलेंगे, 4+1 बिकॉज ऑफ 1 पेटल वो भी एंटीरियर साइड का लार्ज है थोड़ा सा, तो बाई लिप्ड कोरोला इन लेंटाना।
और इसी के चलते प्लांट की फ्लावर की ब्यूटी बढ़ जाती है और फ्लावर्स यहाँ पर ये क्लस्टर्स में रहेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद स्टेमंस की बात करते हैं, तो स्टेमंस की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 2+2 मतलब 4 रहेगी, 4 स्टेमन। और 4 स्टेमन में भी डाई डायनेमस, 2 के फिलामेंट लंबे रहेंगे और 2 के छोटे रहेंगे। एंड ऑल स्टेमन्स आर फ्री, दैट इज पॉलीएंड्रस कंडीशन, एंड दे आर अटैच टू द पेटल, दैट्स वाई दे आर एपीपेटलस, फाउंड इन थ्रोट ऑफ कोरोला। कोरोला के ये थ्रोट में पाए जाएंगे। और एंथर विल बी डाइथिकस बेसिफेस इंट्रोज समटाइम्स डॉर्सिफिक दाल्सो। अब कार्पल देखिए, कार्पल बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी, और कार्पल में संख्या देखेंगे तो कार्पल इज बाई कार्पलरी, सीन कार्पस एंड सुपीरियर। बट इन केस ऑफ ड्यूरेंटा देयर इज 4 कार्पल, टेट्रा कार्पलरी, सीन कार्पस और सुपीरियर होगी, ठीक है। होती तो बाई लाकुलर है ये, लेकिन फॉल सेप्टम बनने के कारण ये टेट्रा लाकुलर हो जाती है, ध्यान रहे, ठीक है। हालांकि लेंटाना में बाइलाकुलर ही रहेगी और हर लाक्यूल के अंदर एक एक ओव्यूल रहेगा, लेंटाना की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बाइकार्पलरी है, सीन कार्पस है और बाइलाकुलर है, एंड 1 ओव्यूल पर लाक्यूल। बट ड्यूरेंटा में टेट्रा कार्पलरी है और टेट्रा लाकुलर है, और साथ में हर लाक्यूल में एक एक ओव्यूल रहेगा या 2 भी रह सकता है। तो इस प्रकार से प्लेसेंटेशन विल बी ऑलवेज स्टाइल एग्जाइल, और स्टाइल विल बी सिंपल, स्टिग्मा विल बी लोड। मतलब एग्जाइल प्लेसेंटेशन है, स्टाइल सिंपल है और स्टिग्मा लोड है। ध्यान रखेंगे कि जो स्टेमन्स हमने बताए थे 4, उसमें 5वां स्टेमन जो रहता है वो अब्सेंट रहता है, वो भी पोस्टीरियर साइड का, और कभी कभी प्रेजेंट भी होगा तो बहुत ही अल्प विकसित रहेगा, रूडिमेंट्री टाइप का, जिसको बोलते हैं स्टेमिनोड। तो इस प्रकार से फ्लावर्स में देखा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए तब दिखाई दे रहा है थोड़ा, ठीक है। बाइलिप कोरोला और तमाम ये सब कैरेक्टर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 एंटीरियर लार्जर, 2 आपके पोस्टीरियर स्मॉलर, ठीक है। ये फ्लोरा डायग्राम में भी दिखाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, अब इसमें ड्यूरेंटा का हमने फुल फ्लावर का फार्मूला लिख दिया है, ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल्स 5 यूनाइटेड, पेटल्स 5, स्टेमन्स 4 एंड कार्पल्स आर आल्सो 4, ठीक है। और एपीपेटल्स लेंटाना में ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, आपका एक्टिनोमॉर्फिक, सॉरी जाइगोमॉर्फिक लिखना है इसमें, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, यहाँ जाइगोमॉर्फिक कर लेंगे। और बाइसेक्सुअल, सेपल्स 5, पेटल्स 4+1 एंड स्टेमन्स 2+2 डाइडाइनेमस एंड कार्पल्स आर 2। यहाँ पर ध्यान से अब एक्टिनोमॉर्फिक करना है, ठीक है। सभी फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक रहेंगे, ऑल फ्लावर्स विल बी जाइगोमॉर्फिक। यहाँ भाई धोखे से ये प्लस हो गया है, पर ये आपका जाइगो, सभी फ्लावर जाइगोमॉर्फिक, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही है इस फैमिली का। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके पहले फ्रूट देख लीजिए, फ्रूट विल बी ऑलवेज ड्रुप टाइप का रहेगा। आइडेंटिफिकेशन में क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन देखिए, फेनरोगेम्स है बिकॉज ऑफ द फ्लावर, डाइकोटिलीडन्स, फ्लावर्स आर पेंटामेरस एंड आपका रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई दे रहा है। गैमोपेटली में पेटल्स आर यूनाइटेड, दिख रहा है पेटल्स यूनाइटेड है। और आपका बाइकार्पलेटी बिकॉज ऑफ दी 2 कार्पल्स आर देयर मोस्ट ऑफ द केसेस में। और लेमियल्स ऑर्डर में बताना है, कोरोला विल बी जाइगोमॉर्फिक, कि मैंने पहले बताया बिकॉज ऑफ द ऑर्डर, चाहे लेमेसी फैमिली की बात करें, तुलसी कुल की, या आपके वर्मिनेसी की बात करें, इस लेमियल्स ऑर्डर में दोनों फैमिली आ गई। तो कई बार कंपेरेटिव अकाउंट पूछता है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लेबिएटी फैमिली एंड वर्मिनेसी फैमिली, तब आप फिर लेमेसी फैमिली भले पढ़े रहेंगे, लेकिन वर्मिनेसी फैमिली यदि नहीं पढ़े हैं तो अंतर बताना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान से, जैसे वहाँ गाइनोबेसिक स्टाइल है, यहाँ पर गाइनोबेसिक स्टाइल नहीं है, वहाँ पर आपको जाइगोमॉर्फिज्म बहुत हैवी दिखाई देता है, यहाँ पर उतना हैवी नहीं है, ये सब बताना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लेमियल्स ऑर्डर में भी यहाँ बताना है जाइगोमॉर्फिक,
और एस्टेमल जो रहेंगे दे आर डाई डायनेमस एंड लीव्स आर अपोजिट, ये सभी ऑर्डर का कैरेक्टर है, वहाँ पर भी यही रहेगा। वर्बिनेसी फैमिली का मुख्य कैरेक्टर ये रहेगा। ट्विक्स में जो रहेंगी टहनियाँ वो क्वाड्रिलैंगुलर रहेंगी, और आपका श्रब्स रहेंगे प्लांट, और ब्रांचेज जो रहेंगी उसमें स्पाइंस जरूर रहेगा, कांटे रहेंगे। इसीलिए जो ड्यूरेंटा वगैरह है वो क्लीरोडेंडान वगैरह वो बागड़ बनाने में फेंसिंग में काम लाए जाते हैं, पर्टिकुलरली गांव में। ठीक है, शहरों में तो आजकल आपके दीवार खड़ी कर देते हैं लोग बाग, हालांकि ये सब वैसा है, दीवार की जगह यही सब करना चाहिए ताकि आपके यहाँ का पर्यावरण भी शुद्ध रहे, हवा आएगी शुद्ध मिलेगी, पर लोग समझते कहाँ। अब देखिए लीव्स, लीव्स ये भी लिखना है, लीव्स आर अपोजिट डिकस हेड, ये सारे कैरेक्टर लिखेंगे। और फैमिली में जरूर लिखना है इन्फ्लोरसेंस के बारे में जो मैंने बताया है एक दो ठो, और कार्पल के बारे में जरूर लिखना है फैमिली में। कार्पल्स में बाई कार्पलरी सेम कार्पस सुपीरियर ओरी बट बिकम टेट्रा कार्पलरी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, ये भी लिखना होगा। फ्रूट विल बी ड्रूप, और आपका जो लेंटाना है वहाँ पर जाइगोमॉर्फिज्म जो है थोड़ा ज़्यादा है और मॉडरेट टाइप का है, न कम है ना ज़्यादा है, पर है मॉडरेट टाइप का, ठीक है वीक नहीं है। इस प्रकार से ये देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और देख लीजिए थोड़ा बहुत जो भी देखना है, बस ध्यान रहे इसको जाइगोमॉर्फिक बनाना ही है, फ्लावर ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक ही करेक्टर बने, ये गलत हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखिए। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें टेक्टोना ग्रैंडिस है, जिसकी लकड़ी से आप, मैंने पहले ही बताया, कंस्ट्रक्शन वर्क में उपयोग में आया, क्योंकि ड्यूरेबल है और लंबे समय तक है, मतलब बहुत ही मजबूत स्ट्रांग लकड़ी है, कुल मिला के फर्नीचर बनाते हैं। ऑर्नामेंटल के लिए मैंने बताया वर्बीना ऑफिसिनेलिस, फ्लावर्स देखा होगा क्लस्टर में बड़े सुंदर दिख रहे थे। ड्यूरेंटा हैज प्लांट है बागड़ बनाने के लिए, और ड्यूरेंटा में आपको वीक जाइगोमॉर्फिज्म दिखाई देगा, वही बताया था ना, वीक और आपका मॉडरेट और स्ट्रांग, तीन प्रकार का जाइगोमॉर्फिज्म है यहाँ पर। तो वो ड्यूरेंटा के जो फ्लावर्स हैं उनमें वीक है, बहुत हल्का रहेगा स्लाइटली, ठीक है स्लाइट रहेगा, और क्लीरोडेंड्रान में आपको स्ट्रांग दिखाई देगा जाइगोमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा है, और लेंटाना में मॉडरेट था, ठीक है। क्लीरोडेंड्रान की जो ट्यूब है कोरोला वो लॉन्ग रहेगी, ध्यान रहे। और एक प्लांट है लिपिया एल्बा, इससे वैल्यूबल आई प्राप्त किया जाता है, और इसके साथ साथ एक प्लांट है एविसिनिया एल्बा, इसको जानना जरूरी। एविसिनिया एल्बा जो है ये आपका मैनग्रोव प्लांट में आता है, जो कि सुंदरबन में पाया जाएगा, सुंदरबन में पाया जाना वृक्ष है, और हेलोफाइट्स के नाम से, हेलोफाइट इसकी मतलब नेचर रहेगा, हेलोफाइटिक है ये, और विवीपेरस सीड पाए जाएंगे, इसके जो सीड हैं प्लांट में ही जर्मिनेट करेंगे और वहीं से ये नीचे गिरेंगे। साथ में इसमें निमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं लॉन्ग, जो ज़मीन से निकलते हैं और इस प्रकार से उनके अंदर छोटे छोटे निमेटोफोर्स होते हैं जिसके चलते ये रेस्पिरेशन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है एविसिनिया, और बिकॉज ऑफ हेलोफेटिक कंडीशन तो यहाँ पर अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने पौधों को बचाए रखने के लिए, वो आपका मैंने बताया कि ये विशेष प्रकार की हैबिट पाई जाती है विवीपेरस। विवीपेरस का मतलब होता है डायरेक्ट चाइल्ड प्रोड्यूस करने वाले, दो प्रकार के जीव दुनिया में होते हैं, ओवीपेरस और विवीपेरस। ओवीपेरस से एक बनता है, विवीपेरस से डायरेक्ट चाइल्ड बनता है। तो यहाँ प्लांट के केस में चाइल्ड तो नहीं बन रहा है, बट सीड जो है वहीं पर प्लांट बना देता है जहाँ पर लगा हुआ है ओरी से, तो पकने के बाद वहीं से प्लांट बनेगा और यंग सीडलिंग नीचे आके ज़मीन में इस प्रकार से मासिक प्लेसेस में गिर जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर नमक ज़्यादा है। नहीं ऐसे डायरेक्ट सीड बोएंगे तो नहीं ग्रो कर सकता, और वहाँ पर फिर ये अपने आप को बचाता है। साथ में इस रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम रहती है उसको दूर करने के लिए इसमें निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम, तो इस प्रकार से ज़्यादा इसका कोई खास उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर डेसिडियस ट्री जो सागौन है और कुछ ऑर्नामेंटल आपके फ्लावर्स हैं जिसके चलते इस फैमिली थोड़ा महत्वपूर्ण हो गई है। इसके बाद फ्लोरा डायग्राम देखिए, ये है आपका
एक जो हमने पढ़ाया था सबसे पहले जो एग्जांपल लिया ड्यूरेंटा का, इसमें देखिए ये ब्रैकियोल्स, ये ब्रैक है, ब्रैक ब्रैकियोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सेपल्स हैं, दे आर फाइव, ये आपका पेटल है, ठीक है, तीन इस प्रकार से थोड़ा सा बड़े रहेंगे और ये दो इस प्रकार से छोटे रहेंगे, ठीक है। और ये आपके स्टेमन्स हैं चार, एपिपेटलस कंडीशन, और यहाँ पर भी कार्पल देखिए 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगी, टेट्रा कार्पलरी हो गई है, इस प्रकार से ये ड्यूरेंटा का है। इसके बाद आप लेंटाना में देखिए, यहाँ पर कार्पल की संख्या दो है मात्र, 1 एंड 2, और ये बाइलाकुलर है, प्रत्येक लाकुल में एक एक ओव्यूल है, वहाँ दो दो ओव्यूल थे। और यहाँ पर देखिए पोस्टीरियर स्टेमन अब्सेंट है, ये आपके दो पोस्टेरियर पेटल छोटे हैं और एंटीरियर थोड़ा सा बड़े हैं, और इसमें से भी ये जो एंटीरियर है इधर वाला वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, बाकी चार लगभग एक हैं, ठीक है ना, लेकिन ये पोस्टेरियर एंटीरियर पेटल ये ज़्यादा, इसलिए 4+1 बताया है लेंटाना ने। तो इस प्रकार से यहाँ भी ब्रैकियोल्स और ब्रैक्स हैं, ठीक है, और ये जाइगोमॉर्फिज्म, जाइगोमॉर्फिज्म लगाना है, मॉडरेट टाइप का है ये। इस प्रकार से ये देखिए ड्यूरेंटा का आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेसीम टाइप का है, पेनिकल है ये, और ये रेसीम जैसा दिखाई दे रहा है, ये ओल्डर फ्लावर्स नीचे की ओर हैं, यंगर फ्लावर ऊपर की ओर है, ठीक है। और अपोजिट लीव दिखाई दे रही है, अपोजिट लीव, अपोजिट डिकासेट लीव इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो इस प्रकार से हमने देखा, और ये फ्लावर का LS है जिसमें ये स्टेमन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा और ये ओरी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ये तमाम जो हमने आप लोगों को ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, इसको आप लोग समझिए ज़रूर, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि यदि इस फैमिली को अच्छे से समझना है, कोई भी फैमिली को, तो उसके फ्लावर्स से पहले अपने आप को परिचित कराइए, फैमिलियर प्लांट से मिलिए, मिलिए मतलब जाइए उसके फ्लावर को लाइए और शांति से एक एक पार्ट्स को सेलेक्ट करिए और फ्लोरल फार्मूला वगैरह निकालिए, तब फैमिली सरल लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।